अगली खबर पटना से है, जहां एक मैकेनिकल इंजीनियर ने अपनी पत्नी को अनोखा गिफ्ट दिया है। जी हां, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज जहां की याद में ताजमहल बनवा दिया था, जो विश्व के 7 आश्चर्यजनक में शामिल है। उसी तरह पटना सिटी के मेहदीगंज के दीप नगर रोड नंबर 3 के रहने वाला मैकेनिकल इंजीनियर अनुज कुमार अपने मकान में अनोखा लिफ्ट बनाकर पत्नी को गिफ्ट किया है, जो इलाके में चर्चा बन गया है। वाकई यह लिफ्ट रिमोट से चलती है और ग्राउंड फ्लोर से चाय नाश्ता एवं डिनर लेकर फर्स्ट फ्लोर तक आती है और फिर रिमोट से ही नीचे उतर जाती है, जो इलाके में एक बार चर्चा बन गया है। आपके पीछे एक लिफ्ट बना हुआ है, आपने स्वयं बनाया है, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हमने स्वयं बनाया है और वाइफ जब चुकू से पूरा मकान बना नहीं था और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए सीढ़ी बना था, लेकिन मकान पूरा नहीं बना था, लेकिन मकान बनाने समय ही हमने पहले से ही लिफ्ट का जगह छोड़ रखा था। और अचानक से चूँकि हमारे पास उतना धन नहीं था तो पैसा कमी कारण हम उसको पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन वाइफ अचानक अगर सीढ़ी से गिर गई तो जिस जगह को हमने लिफ्ट के इस्तेमाल के लिए रखा था हमने उसे फौरन बना डाला कि मतलब इस तरह से दुर्घटना दोबारा ना हो और मेरी वाइफ सुरक्षित रहे और गेस्ट लोग को भी आराम से किसी तरह का कोई भी नाश्ता है, चाय है, कॉफ़ी है, ठंडा है, आराम से मिल जाए, खाना भी मिल जाए और किसी तरह कोई परेशानी ना होना पड़े, इसलिए हमने इसे फिर पैसे आने के बाद हमने 2021 में इसे बना डाला। कितने समय लगे और कितने की लागत खर्च? ये अभी हम फर्स्ट बार चूँकि इस लिफ्ट को बनाया हम तो उतना जानते नहीं थे, लेकिन सोच सोच के हर तरह का सामान इसमें यूज किए, सामान भी बहुत मेरा बर्बाद हुआ, इस चलते पैसा भी मेरा काफ़ी लगा, 95,941 रुपये इसमें खर्च आया। लेकिन अगर इस लिफ्ट को दोबारा बनाया जाए तो ये 50,000 के भीतर बन जाएगा, क्योंकि अब तो हम पूरी तरह से सीख लिए हैं कि ये कैसे बनेगा और कैसे काम करेगा, तो मेरा सामान अब बर्बाद नहीं होगा। मेरा नाम अनुज कुमार है और मैं दीप नगर रोड नंबर 3 में रहता हूँ। देखने के लिए दूर दूर से लोग जाते हैं, पत्नी को गिफ्ट में दिया गया, आपको गिफ्ट में क्या मिला? मुझे एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा अनोखा गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे एक लिफ्ट के रूप में दिया है। ताजमहल तो सही में कहते हैं कि वो अनोखा है, उसे दूर दूर से देखने आते हैं। लेकिन आपके जीवन में लिफ्ट कितना अनोखा है? मेरे लिए तो ये बहुत ही महत्व का चीज़ है, क्योंकि अब मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, ना ऊपर नीचे करना पड़ता है, ना या कोई गेस्ट भी आ गए तो बोलते हैं चाय लाइए या कॉफ़ी लाइए, मतलब किसी भी चीज़ का मुझे कोई परेशानी नहीं होता, बस फ़ोन पे मुझे बोला जाता है, मैं लिफ्ट के थ्रू उसे नीचे भेज देती हूँ, चाहे उसमें चाय हो, नाश्ता हो, कॉफ़ी हो, कुछ भी हो, ठंडा हो, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ के लिए 10 बार या 1 बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता है, बस एक बार लिफ्ट खोला, सामान डाला, सामान नीचे चला गया, उसके अलावा मुझे कोई भी मेहनत या परेशानी नहीं होती है इस लिफ्ट के द्वारा। मेरा नाम काजल कुमारी है।